नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आज की न्यू डिफेंस डील के तहत आज हम बात करेंगे न्यू अपडेट जो कि सामने आ रहा है। भारत ने सबसे बड़ी हवाई अभ्यास तरंग शक्ति को यहां पर अपडेट कर चुका है। जहां तक सामने आ रहा है चीज़ें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेजबानी की विश्वास हवाई कौशल के तहत प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पर तरंग शक्ति। आने वाला दिन में कहीं ना कहीं दुश्मन देश के लिए एक सीख बन सकता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें तरंग शक्ति 2024 में इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड इंग्लैंड परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक कम्बैक्ट एक्सरसाइज है। इसमें भारत को क्या फायदा हो सकता है, आने वाला दिन में दुश्मन देश के लिए क्या मैसेज भारत देना चाहता है, वो भी आज के इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपडेट आ रहा है तमिलनाडु के सुलूर के ऊपर का आसमान लगभग 67 लड़ाकू विमान की गर्जना से गूंज रहा है, जिनमें से मैं बात करूं एयर फाइटर टाइफून और उस हिसाब से कहीं ना कहीं न्यू वेपन सिस्टम कैरियर प्रशासी राफेल और भारत का अपना LCA तेजस भी शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज कम्बैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है, इसमें भारत का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सुपर पावरफुल लड़ाकू सिस्टम शामिल है। उसी हिसाब से अन्य देशों से न्यू लड़ाकू एयरक्राफ्ट बोल सकते हो, या जैसे मैं बता दूँ यहाँ पर एयरफोर्स, जैसे इंडियन एयरफोर्स का है तो उसमें कहीं ना कहीं जर्मनी का एयरफोर्स सिस्टम, फ्रांस और स्पेन, इंग्लैंड का एयरफोर्स सिस्टम भी इसमें शामिल किया गया है। संक्षेप में बात करेंगे, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होगा तरंग शक्ति अभ्यास। 10 देशों के 67 लड़ाकू विमान भाग ले सकते हैं। तो ये अपडेट जो आ रहा है, पहले चरण में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन आदि इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपडेट आ रहा है, भारतीय वायुसेना तमिलनाडु के सुलूर स्थित वायुसेना स्टेशन पर अपने अब तक की सबसे बड़े और बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कर रही है। यहाँ पर बता दूँ, विभिन्न स्तर में अन्यत्र देश की हवाई ताकत को प्रदर्शन करने के लिए आयोजन किया जा रहा है। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है कि ये आयोजन हो गया था। यहाँ पर महत्वाकांक्षी अभ्यास और स्वतंत्र दिवस समारोह के कारण इस साथ मिलकर तरंग अभ्यास का किया जा रहा है। और जिसमें बात करूँ, इस अभ्यास में तरंग शक्ति का पहला चरण 6 अगस्त को शुरू हो गया था और 14 अगस्त तक जारी रहेगा, बट ये जारी हो चुका है। देखिए, इस चरण में 10 देशों का वायु सेनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे देश परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की जा रही है। इस तथा में देश का यदि हम बात करेंगे पर्यवेक्षित रूप भी भाग ले रहा है इंडियन एयरफोर्स। सुलर्स के ऊपर का आसमान लड़ाकू विमान के गर्जना से गूंज रही इस जिसमों की एयर फाइटर और एयर ट्रूपर, फ्रांस राफेल और भारत का अपना LCA तेजस शामिल हो गए। इस अभ्यास में 10 देशों के कम से कम 67 लड़ाकू विमान इसमें भाग लेने जा रहे थे। इस सशक्तिकरण में शामिल होने के लिए कहीं ना कहीं मरीन कमांड हवा से चरित होकर देखकर वातावरण और समारोह पर अपडेट हुआ था, और इसे लगभग आने वाला देश के बीच सहयोग और अपने समान के मजबूत भावना को प्रकाश किया गया है। इस अभ्यास में इस चरण में कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम के साथ जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की वायुसेनाओं भाग लेने की, जबकि दूसरा चरण में 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर, अमेरिका और ग्रीस की वायुसेनाओं को शामिल किया जाएगा। देखिए, जो अपडेट आ रहा है, पहले चरण के दौरान फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की वायुसेना प्रमुख की उपस्थिति में इस बहुराष्ट्रीय प्रयास को महत्व और संख्यक किया जाएगा। भारतीय वायुसेना इसमें से सक्रिय भागीदारी रही है तथा उसे अपनी हवाई क्षमता को प्रभावशाली प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें से राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस, MiG-29, प्रचंड, रुद्र, हमलावर हेलीकॉप्टर और LCH ध्रुव भी शामिल है, जिसमें से C-130 और उसी हिसाब से IL-78 और एम्बुलेशन प्रणाली को शामिल किया गया है। यह विमान भारत की विमान क्षमताओं को अत्याधुनिक प्रतिबंध करने की शामिल किया गया। इस तरंग शक्ति में उनकी भागीदारी और एयरस्पेस क्षेत्र में देश की बढ़ोतरी देने के लिए इस ताकत का प्रमाण स्वरूप अपडेट किया जा रहा है। इस चरण के दौरान स्वदेशी विमान, हेलीकॉप्टर, वेपन सिस्टम्स, ड्रोन एक प्रदर्शनी में आयोजित किया जा रही है, जिसमें से इस क्षेत्र में भारत को प्रगति पर प्रकाश डाला जा रहा है। यह आयोजन भारतीय वायुसेना के लिए केवल अपनी परिचालन और क्षमताओं को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच की स्वरूप में किया जा सकता है, बल्कि अन्य देशों के साथ साथ सहयोग बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसमें से रणनीतिक संबंध का मजबूती मिलेगा, जो आज की जटिल विश्व सुरक्षा और वातावरण को आवश्यक रहता है। जैसे जैसे तरंग शक्ति अभ्यास का पहला चरण समाप्त होने वाला है, वहीं पर सेकेंड चरण में जोधपुर में होने वाले दूसरे चरण के लिए यहाँ पर अतिरिक्त सिक्योरिटी को अपडेट किया गया है, जहां पर और अधिक देश अभ्यास के लिए शामिल हो सके, जिससे सहयोग से जिसमें बात करूं भावना बढ़ाने के लिए इस बारे में देश के बीच मित्र की बंधन और मजबूती का कहीं ना कहीं अपडेट होगा। देखिए फ्रेंड्स, तरंग शक्ति यहां पर दो चरणों में हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, इसमें 10 देश शामिल हो रहा है, 67 लड़ाकू विमान इस पर भाग ले रहे हैं।
इस अभ्यास की शक्ति पहला चरण में से बताया था फ्रेंड्स 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो हो चुका है। दूसरे चरण फ्रेंड्स जो है वो आने वाले दिन में जोधपुर में किया जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे प्रशिक्षणी लोग, यूनाइटेड अमीरात, अमेरिका और काफ़ी सारे देश इसमें आने वाले दिन में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है भारत अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, साथ ही साथ आने वाले दिन में कोई विकट परिस्थिति में अपने देश के साथ साथ दूसरे देश के साथ उसको सहायता करने के लिए कांधों से कांध मिलाकर आगे बढ़ने के लिए भारत भी ये आभार दे रहा है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।